तो चलिए आज छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर वन आज की क्लास है जो कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से 4 या 5 नंबर पूछे जाएंगे यहीं से। तो आपको ध्यान से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। तो क्लास स्टार्ट कीजिएगा। आज 15 मई है, 15 मई से क्लास स्टार्ट हो चुका है। एडीओ की क्लास चल रहा है ना, पहला क्लास है आज एडीओ का, जो कि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे 4 या 5 नंबर की, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार आपको पढ़ना है ये भी बताऊंगा। चलिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कीजिए। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से देखेंगे। चलिए स्टार्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पहला पढ़ेंगे। है ना, चलिए पहला क्लास स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न कैसे बनेगा देखते जाइए और क्लास पूरी लास्ट तक देखना है ना। 30/10/1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ, यानी कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ है? 30 अक्टूबर 1993 को कब पारित हुआ है? मध्य प्रदेश के 30 अक्टूबर 1993 को विधानसभा में पारित किया गया है। कब पारित किया गया है? विधानसभा में, है ना। विधानसभा में 30 अक्टूबर 1993 को मध्य प्रदेश के विधानसभा में पारित किया गया पंचायती राज अधिनियम। उसके बाद सेकंड देखेंगे, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई है? 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल में अनुमति प्राप्त हुई है। इसके बाद 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, है ना। इसके बाद देखिए 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर इसका अनुकूलन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना कब अनुकूलन किया गया है तो आप बताइएगा, 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम में इनका अनुकूलन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, छत्तीसगढ़ राजपत्र का क्रमांक कितना है? 134 में प्रकाशित किया गया है। अध्याय एक पढ़ लिए हैं, अध्याय दो देखेंगे जो कि ग्राम सभा से प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 3 है इसका, धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ग्राम के संबंध में अधिसूचना अध्याय 2 का है ग्राम सभा से। तो चलिए क्या क्या इसमें अधिसूचना है देखते हैं यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले अधिसूचना पढ़ेंगे, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना। राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्राम या ग्राम सभा के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्राम या ग्राम समूह को, ग्राम का मतलब होता है गांव, गांव या गांव के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गांव के रूप में घोषित किया जाएगा, यानी कि ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा, है ना, ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे, फिर धारा 4 देखेंगे। धारा 4 में क्या पूछा गया है देखिए, यहाँ पर प्रत्येक खंड के ग्रामों को वार्डों में बांटा जाएगा और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या लगभग बराबर होगी, है ना। प्रत्येक खंड के ग्रामों को वार्डों में बांटा जाएगा और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या लगभग बराबर होगी। प्रत्येक ग्राम के लिए 1 ग्राम की सभा होगी। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसी से सवाल पूछा जाता है, यहाँ से आपके 4 या 5 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे,
है ना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पंचायती राज अधिनियम से क्लास स्टार्ट हो चुका है, एडीओ की क्लास। आपको डेली शाम 5 बजे लेक्चर कराया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहीं से बनेंगे क्वेश्चन, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी और गांव की मतदाता सूची में दर्ज हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा, है ना। अब धारा 4 देखेंगे। धारा 4 में क्या पूछा गया है? धारा 4 में देखेंगे ग्राम की मतदाता की सूची। प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी जो कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों को उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी। यानी कि प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगा जो कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार तैयार किया जाएगा। ये किसमें है? धारा 4 में, ग्राम की मतदाता सूची में, ठीक है। अब धारा 5 पढ़ेंगे। धारा 5 में क्या लिखा है? धारा 5 में लिखा है कि ग्राम के मतदाताओं को पंजीकरण गांव की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने की पात्रता रखता हूँ। देखिए धारा 5 में कहता है कि ग्राम के मतदाताओं को पंजीकरण में गांव के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने की पात्रता रखता हो, है ना, पात्रता रखता हो, ओके। उसके बाद है विधानसभा में निर्वाचक नामावली में जिसका नाम दर्ज हो वो विधानसभा में होगा। धारा 5 में। कमेंट करते जाइए, कहीं पर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको नोट यहाँ पर करवाऊँगा, देखते जाइए, क्लास है ना। जो उस गांव को मामूली तौर पर निवासी हो या गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत करने के हकदार हो, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके। नोट आपको ध्यान में रखना होगा, एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा सकता। याद रखिएगा कि एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा सकता। अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता, है ना। पंजीकृत नहीं हो सकता। विधानसभा में निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र या अयोग्य होने पर वह ग्राम के मतदाता सूची के लिए अपात्र होगा। अब उसके बाद पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 में खंड ख के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम सभा होगी। पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 के तहत खंड ख के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम सभा होगी। और यहाँ पर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा, है ना, गठन किया जा सकता है। इसका गठन अनुभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2 में ग्राम सभा का सम्मेलन, याद रखें यहाँ पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2 में ग्राम सभा का सम्मेलन होगा। अब धारा 6 में क्या लिखा है? ग्राम सभा का सम्मेलन, है ना, ग्राम सभा का सम्मेलन किसमें है? तो धारा 6 में है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि धारा 6 में क्या है पंचायती राज अधिनियम में, तो आप बोलेंगे ग्राम सभा का सम्मेलन। क्या बोलोगे? ग्राम सभा का सम्मेलन, ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा
छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया 1994 के नियम के तहत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में गठन सम्मेलन कार्य संचालन नियम 1988 के तहत ग्राम सभा की बैठक कब होती है, क्या होती है, चलिए आगे देखते हैं ग्राम सभा की बैठक के बारे में। इसके बाद कल क्लास का टू होगा, लेक्चर टू होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो आज हम पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं कि कैसा प्रश्न आता है या कैसा होगा, तो आज ये लेक्चर वन है। इसके बाद आपको पूरा क्लासेस कराया जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राम सभा की बैठक के बारे में। तो वर्ष में यानी कि साल में प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक होना जरूरी है, कम से कम एक बार, परंतु प्रत्येक वर्ष में 3 माह में, यानी कि साल में 3 माह में कम से कम एक बैठक जरूरी है, ठीक है। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में मांग किए गए जाने पर अथवा जनपद यानी कि जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए गए जाने पर अपेक्षा के दिनांक 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक की जाएगी। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर आपको ग्राम सभा की बैठक किया जाना आवश्यक है। बैठक की तारीख समय और स्थान देखने वाले हैं। बैठक की तारीख समय और स्थान देखेंगे। बैठक की जो तारीख है, समय और स्थान सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा निर्धारित की जाएगी। ये 2017 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एडियो में कि बैठक, देखिए यहाँ पर अगर सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा निर्धारित की जाएगी, किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी एग्जाम में पूछा गया है। अगर बैठक की तारीख या समय के स्थान पर सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में या उप सरपंच द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाएगी, तो ये सचिव द्वारा की जाएगी। याद रखना, किसके द्वारा की जाएगी? सचिव द्वारा की जाएगी। इसके बाद पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और ग्राम सभा की वार्षिक बैठक पंचायत मुख्यालय पर होगी। वार्षिक बैठक आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने में कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित की जाएगी। कितने से कितने माह? कम से कम 3 माह। बैठक की जो सूचना देने की रीति है, जो बैठक की तारीख कम से कम 7 दिन के पूर्व यानी 7 दिन पहले की जाएगी। जो पंचायत में जो बैठक होती है ग्राम सभा में, तो बैठक की जो तारीख होती है 7 दिन के पहले यहाँ पर दी जाएगी सूचना, है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे, बैठक में कोई सुझाव देने या वो कोई विषय उठाने के लिए सूचना की तारीख 1 सप्ताह के भीतर यानी ग्राम पंचायत के सचिव को लिखित में एक सूचना देनी होगी और किसी लिखित की आपत्ति की दशा में बैठक 3 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जाएगी। कितने दिन के भीतर? 3 दिन के भीतर। 3 दिन के भीतर बुलाई जाएगी। इसके बाद वार्षिक बैठक के लिए कार्य सूची देखेंगे कि लेखाओं का वार्षिक विवरण है, पूरे वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट है, उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रम है, अंतिम संपरीक्षण टिप्पणी, उसके संबंध में दिए गए उत्तर हैं। ये सब पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब याद रखिएगा, है ना, ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो चलिए देखेंगे बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में इसकी बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों में से बहुमत द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों को चुने जाने पर ग्राम सभा का एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा, वही उसमें बहुमत द्वारा निर्वाचित सदस्य होगा, बैठक की अध्यक्षता करेगी, ठीक है। अब अनुसूचित क्षेत्र के लिए देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के लिए देखेंगे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो सरपंच या उप सरपंच या पंचायत के सदस्य ना हो और बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया हो, वह केवल उसी के बैठक के लिए अध्यक्षता करेगा। इसके बाद बैठक के लिए गणपति देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैठक की गणपूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं,
यहीं से प्रश्न बनेगा आपका, एक या दो नंबर यहीं से पक्का पूछेगा। देखिए यहाँ पर कुल सदस्य संख्या का बैठक की गण पूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें एक तिहाई से अधिक महिला सदस्यों में उपस्थित अनिवार्य है। एक तिहाई यानी कि 1/3, 1/3 यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 में एक तिहाई से अधिक महिला का उपस्थित होना अनिवार्य है बैठक की गणपूर्ति के लिए, बैठक की गणपूर्ति के लिए अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्र के कुल सदस्य संख्या का 1/3 जिसमें 1/3 महिला सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है और गणपूर्ति पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर या आगे बढ़ा दिया जाता है। देखिए अगर गणपूर्ति पूरा नहीं होगा तो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा या फिर उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से प्रश्न बनता है, स्थगित बैठक को जो आगामी किसी तारीख पर होने वाली है और उसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, स्थगित बैठक के आयोजन पर किसी भी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व तो सरपंच और पंच का होता है। गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? सरपंच और उप सरपंच का होता है। लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर पंच सरपंच को नोटिस दिया जाएगा और आगे की जो ग्राम है ग्राम सभा वो बैठक में गणपूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा। फिर भी गणपूर्ति नहीं होने पर सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। अगर फिर भी गणपूर्ति नहीं होगा तो सरपंच को पंच के पद से क्या करेगा? हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा। फिर भी गणपूर्ति नहीं होने पर सरपंच को पंच से हटा दिया जाएगा। सरपंच पंच को उनके पद से हटाने की जो कार्यवाही होगी उनकी सुनवाई को पूरा अवसर प्रदान करने की बात ही की जाएगी। बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा, बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 3 यानी कि ग्राम पंचायत से जो कि कल आपको पढ़ाया जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। ये वाला पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा पार्ट 2 वीडियो में, है ना, पार्ट 2 वीडियो में आपको कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, है ना। शाम 8 बजे की क्लास भी देखेंगे जो कि छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर का क्लास होगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।